अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त आसिम सरवर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आई सी फॉर यू पर, दैट मींस आई क्रिएट फॉर यू। एज यू नो कि मैंने अपना यूट्यूब का चैनल का नाम चेंज कर दिया है। इससे पहले इसका नाम एम एक्स स्टूडियोज था, लेकिन अब इसका नाम आई क्रिएट फॉर यू होगा। वो इसलिए कि आई क्रिएट फॉर यू, मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ, तो इसीलिए मैंने इसका नाम आई क्रिएट फॉर यू रखा। तो एनीवेज यार, ये वीडियो आज जो है ये है PGWP प्रोग्राम और DLI इंस्टीट्यूशन के बारे में, ठीक है। एज यू नो कि मैंने इससे पहले दो वीडियोज़ बनाई थी पाकिस्तान से कैनेडा स्टडी वीज़ा का प्रोसेस क्या है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में अप्लाई करेंगे और आप उस कॉलेज में अप्लाई करेंगे जिसके पास डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन नंबर है, तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं यहाँ पर 3 साल का वर्क वीज़ा लेने के लिए, और उसके बाद यहाँ की PR जो कि परमानेंट रेजिडेंटशिप जिसको कहते हैं उसके लिए भी आप जो है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा और आप लोगों को PR कैसे मिलेगी उसके बारे में बताता हूँ आपको इस वीडियो में, तो मेरे साथ रहिए, कहीं नहीं जाएगा। अच्छा जी, व्हाट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट PGWP? अ पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट गिव्स यू परमिशन टू रिमेन इन कैनेडा and work full time for up to 3 years after complete your graduation from designated learning institution of Canada. The length of the work permit depends on the length of your program. So PGWP program kya hota hai? Ye wo program hai jab aap log jahan par apni studies complete karte hain to Canadian government aapko ye opportunity deti hai ki jab aap log apni yahan par studies khatam karte ho, jab end karte ho, to uske baad aap logon ko yahan par 3 saal ka work visa milta hai aur us work visa ke andar aapko certain hours complete karne hote hain kahin bhi job karke, doesn't matter ki wo aapki field ke sath hi job ho, वो आपकी फील्ड से हट के भी जॉब हो सकती है। तो उन आवर्स को जब आप कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंटशिप के लिए, और उसके बाद आपको आपकी PR मिलती है, उसके बाद आपको यहाँ पर 1095 डेज रहना पड़ता है, और उस 1095 डेज के बाद आप जो है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आप भी मेरी तरह यहाँ पर सिटीजन हो सकते हो आराम से। अगर आपका कोर्स है 1 साल का, 1 साल यहाँ पर 2 सेमेस्टर्स होते हैं 4 मंथ्स के, तो 8 मंथ्स का अगर आपका कोर्स है तो आपका फुल टाइम माना जाता है, ठीक है। सो 8 मंथ्स का कोर्स होगा तो आपको 1 साल का जो है वर्क वीज़ा मिलेगा, और अगर आपका 16 मंथ्स का कोर्स होगा जिसको 2 साल कंसिडर किया जाता है यहाँ पर, तो अगर आपका 16 मंथ्स का कोर्स होगा तो आपको 2 या 3 साल का वीज़ा मिलता है वर्क वीज़ा। कहते हैं तो 2 या 3 साल का, लेकिन आपको 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है अगर आपने 2 साल का कोर्स किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो PGWP प्रोग्राम के लिए आप तब एलिजिबल सकते हैं जब आपने डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ा होगा। डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बताता हूँ। ये वो कॉलेजेस होते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज में इनरोल कर सकते हैं, जिनको गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ने ऑथराइज़ किया होता है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपने कॉलेजेस में एडमिशन दे सकते हैं। तो जब आप डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे तो तभी जाकर आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट प्रोग्राम में एलिजिबल हो सकते हैं। तो मेक श्योर, जब अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका जो कॉलेज है उसके पास रजिस्टर्ड DLI नंबर हो, और वो कॉलेज PGWP प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो, वो PGWP प्रोग्राम ऑफर करता हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं और कौन कौन से डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस PGWP प्रोग्राम ऑफर करते हैं। तो मैं आपको अभी यहाँ पर ऑनलाइन बताता हूँ, आपने जाना है कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ओनली कैनेडियन ऑफिशियल वेबसाइट www.cic.gc.ca। अब यहाँ पर ये आ गया, अब आप लोगों ने नीचे आना है, यहाँ पर ये लिखा भी है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, ठीक है। यू नीड टू नो इफ यू आर एलिजिबल टू वर्क आफ्टर यू ग्रेजुएट, नॉट ऑल डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस मेक यू एलिजिबल फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट प्रोग्राम। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से DLI इंस्टीट्यूशंस जो है PGWP प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं DLI इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस बाय प्रोविंस और टेरिटरी, ठीक है। सबसे पहले स्टेप वन में आपने चूज़ करना है प्रोविंस, फिर आपने कीवर्ड लिखना है, कीवर्ड मींस सिटी या स्कूल, ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे मैं रह रहा हूँ ब्रिटिश कोलंबिया, प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, तो यहाँ पर मैं डालूँगा ब्रिटिश कोलंबिया, और यहाँ पर मैं डालूँगा जी, यहाँ पर ही आ गया, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ पर मैं डालूँगा जी अपनी सिटी का नाम, सॉरी वैनकूवर, ठीक है। अब जैसे ही मैंने वैनकूवर डाला तो यहाँ पर ये नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस आ गए, यहाँ पर ये डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन नंबर लिखा हुआ है कि इनके पास DLI नंबर है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑफर, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ऑफर PGWP एलिजिबल प्रोग्राम्स, ठीक है, मतलब कि ये PGWP प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस जैसे अकेडमी ऑफ लर्निंग कॉलेज वैनकूवर ब्रॉडवे,
अब इसके पास DLI नंबर तो है लेकिन ये PGWP प्रोग्राम ऑफर नहीं कर रहा, तो इस पे लिखा हुआ अगर नो तो आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना, ठीक है। अब जैसे ये दूसरा है एसेंडा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ नहीं कर रहा, लेकिन ये कि इस पे लिखा हुआ एसेंडा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इनके पास भी DLI नंबर है और ये वैनकूवर में, और डिटेल्स में लिखा हुआ येस, सो दे आर ऑफरिंग PGWP प्रोग्राम, ठीक है। तो आपने इस तरह के कॉलेज में अप्लाई करने हैं। तो ये प्रोसेस है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस को फाइंड करने का और कि क्या वो कॉलेज जो है PGWP प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस तरह आपने अपने लिए कॉलेज सर्च करना है जिसके पास डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन नंबर होगा और वो PGWP प्रोग्राम ऑफर कर रहा होगा, तो उस कॉलेज में आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो जब आप उस डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे जो कि PGWP प्रोग्राम ऑफर कर रहा होगा, तो उसके बाद जब आपकी स्टडीज़ ख़त्म होती हैं तो आपको जो है आपकी यूनिवर्सिटी आपकी जो है आपके एग्ज़ाम्स के बाद आपको मार्कशीट देती है और लेटर देती है कि येस दिस पर्सन हैज़ कम्प्लीटेड हिज स्टडीज़ फ्रॉम दिस कॉलेज, ठीक है। वो आपको लेटर अपने पास रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 180 डेज मतलब के 6 महीने का टाइम होगा, उसके दौरान आपने जो है PGWP प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, मतलब वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे ही आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होती हैं तो आपने कोशिश करनी है कि एज सून एज पॉसिबल आप अपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दें जिसको PGWP प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी जो फीस है वो कैनेडियन $255 होगी। अब आपकी स्टडीज़ जब ख़त्म होती हैं तो फिर आप अप्लाई करते हैं और उस अप्लाई करने के बाद आपका जो प्रोसेस का टाइम होता है वो एटलीस्ट 89-90 डेज होता है, ठीक है। तो इन 3 महीने में आप अभी तक काम कर सकते हैं लेकिन वो फुल टाइम नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक आपके पास वर्क परमिट नहीं है। आप वैसे ही काम कर सकते हैं जैसे आप एज अ स्टूडेंट कर रहे थे काम, दैट मीन्स 20 hours a week, ठीक है। तो जब आपके पास आपका वर्क वीज़ा आ जाता है, आया कि वो 1 साल का या 3 साल का है, तो उसमें आप जो है जैसे हम लोग यहाँ पर सिटीजन्स फुल टाइम काम कर सकते हैं, आप लोग भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और अगर आपके माइंड में और भी क्वेरीज हैं तो आप लोग मुझे जो है ईमेल कर सकते हैं AAAAMAWAN44@gmail.com पर। इंशाल्लाह मैं आपको जो है साथ साथ जवाब देता रहूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।